गाइस इसमें ऑप्शंस है अनलिमिटेड, आप कितना भी खा सकते हो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपना डेली व्लॉग, उसके साथ साथ हमारे कुछ प्लान्स हैं, वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो चलिए कंटिन्यू रखिएगा मेरी वीडियो और कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको कैसी लग रही है। और अगर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, हमारी मेहनत है। तो और लाइक का बटन भी दबा देना। उठ जाओ, स्कूल जाना है। सोना, मिठू मिठू उठ जाओ। लेट, जल्दी से उठो, जल्दी से उठो, गुड गर्ल। चलो हम नहाए नहाए कर आते हैं, तो कहते हैं मिलते हैं अभी नहाए नहाए करने के बाद। अरे मेरे लड्डू ने तो नहाए नहाए भी कर ली, मेरा प्यारा सा बच्चे ने तो नाई नाई भी कर ली। हाँ कर ली नाई नाई, आपने नाई नाई कर ली? देखो मैं सबको हाय कर दो, कर दो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। शना इज गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल, है ना? ओ नो न्यू, चलो हम पहले रेडी हो जाते हैं। ओके बेबी देता हूँ माँ। हाँ बेबी देता, बेबी देखना है। हाँ ठीक है। ओह वाओ, लुक शनाई इज रेडी टू गो टू स्कूल। तो देखो शनाई ने ये ब्यूटीफुल सा अपना कॉट सेट पे किया है आज। चलो शूज बना दे मम्मा आपको। हाँ। शूज बना दे। हाँ। पहन लिया, सॉरी। वाओ, सो गाइस, शनाया को लंच तो हमें प्रोवाइड नहीं कराना होता क्योंकि स्कूल ही प्रोवाइड कराता है, तो मेरे को लंच टिफ़िन पैक नहीं करना होता उस पर। मैं उसको फ्रूट दे देती हूँ सुबह मॉर्निंग में कि जाके वो अपना ब्रेकफास्ट कर ले, क्योंकि खा के जाती नहीं है, सुबह सुबह उठ के उससे खाया नहीं जाता कुछ भी। तो मैं एक कोई भी फ्रूट उसका पैक करके दे देती हूँ कि जाके स्कूल में खा ले वो, और बच्चों के साथ भी शेयर कर ले, तो एक हेल्थी ब्रेकफास्ट उसका हो जाता है। और स्कूल में भी वो ज़्यादातर प्रेफर ही करते हैं स्कूल की जो डाइट में हो कि बच्चों के लिए कुछ हेल्दी ही हो। तो यहाँ मैं उसके लिए एक एप्पल कट कर रही हूँ आज, और उसके टिफ़िन में डाल रही हूँ एज अ फ्रूट, जो उसका ब्रेकफास्ट होएगा, फ्रूट ब्रेकफास्ट। सो गाइस देखिए, बहुत सारे रबर बैंड्स हैं ये हम शनाया के लिए लेके आए हैं, इसकी माँ जी लेके आई है। तो इसमें से हम टू निकालेंगे मैचिंग के पेयर्स। तो ग्रीन पहना हुआ है आज, तो इसके टू ग्रीन निकाल लेते हैं। उप्स, जो गिर गया। तो पोनी मैं बनाऊंगी इसकी कार में, क्योंकि टाइम सेव हो जाता है, तो कार में ही इसकी पोनी बनाएंगे। तो दो रबर बैंड मैंने निकाल लिए। ये होल्ड योर बैग, लगाओ, वेरी गुड। बाय करो दादू माँ जी को, सबको। पानी भरा बेटा, सब कुछ उधर ही करेगा। चलो पापा ले जाते, पापा ले जाते, मैं गोदी ले चलता हूँ। सो गाइस, मैंने सोचा था इसकी पोनी बना दूंगी कार में, पर डैडी कह रहे हैं आज स्कूटी पे जाएंगे। अब कैसे बनाऊं मैं आपकी पोनी? अब स्कूटी पे जाएगी तो कैसे? अभी बना देती हूँ जल्दी, फटाफट ना कुम लेके आते हैं दादू के रूम से, और फटाफट पोनी बनाते हैं, और फिर आज चलेंगे हम स्कूटी पे। शनाई किस पे जाएगी स्कूल, जल्दी बताओ। शनाई स्कूल किस पे जाएगी? स्कूटी पे, स्कूटी पे। स्कूल करो तो दादू मैचिंग मैचिंग हेयर बैंड लेके आए हैं मम्मा सोना के लिए। नौ इधर से आप ही बना रही है, फटाफट फटाफट कि सोनू लेट ना हो, ये नमना लेट ना हो स्कूल के लिए। तो
गाइस देखिए गेट में तीन तीन कार खड़ी है, तो स्कूल पे छोड़ के आना है बच्चे को स्कूटी पे, और ये फर्स्ट टाइम हुआ नहीं तो कार में जाता है जैसे कि आपने देखा है आज। स्कूटी की मेहरबानी क्यों, लेट काफी हो रखे हैं, लेट हो रहे हैं। चलो चलाए कैसे बैठी स्कूटी पे पापा को हक करके। जय किया अपने काऊ माता को, वेरी गुड। चलो अब आपका स्कूल भी आ गया। चल नो पॉकेट, यस बाय बाय। सो गाइस मॉर्निंग में आ गए हैं गोपी जूस पे और यहाँ पियेंगे हम अपना जूस, मीडियम जूस। सो गाइस आज हमें ब्रेकफास्ट करना है लाइट, क्योंकि लंच हमारा होने वाला है हैवी। आज हमारे लंच के कुछ प्लान्स है आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अनुज लेके जा रहे हैं मुझे लंच देखते, तो चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो, तो पता चलेगा आज के हमारे आपको प्लान्स। मिक्स बोले आपने, तो आज हम मिक्स जूस पियेंगे। थैंक यू। सो गाइस यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, तो मैंने आके अपना जल्दी से अपना हाउस होल्ड जो भी काम था करा, उसके बाद मैं नशार लिया, रेडी हो गई। अब हम जा रहे हैं अपनी लंच डेट पे, अनुज लेके जा रहे हैं मुझे लंच डेट पे, तो पहले जाके वेदू को पिक करेंगे स्कूल से, उसको साथ लेके चलेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करेगा मेरी वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे को भी कुछ इंटरेस्टिंग सा बताया है, वो अभी नहीं बताऊँगी, आगे बताऊँगी कि क्या है कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करिएगा मेरी वीडियो। आ गए घर में, कंफ्यूज है कौन सी गाड़ी लेके चले, कौन सी चलनी है लेके। साफ है यार, कोई दिक्कत नहीं है, एंडेवर में ही चलेंगे आज। चलो माय गॉड, सो पॉसेसिव अबाउट कार्स, मतलब जरूर है करना, कपड़े ना धो के आए हो खराब हो जाएंगे यार, मत करो, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। इसे कहते हैं गाड़ियों के प्रति प्यार। क्या बोल रहे थे बेबी। सो गाइस हम हैं गुड़गांव सेक्टर 48 बेस्ट एक कॉर्पोरेट पार्क, और यहाँ पे है ये एक यूनिक सा कैफे। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप 350 में अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट खा सकते हो, कुछ भी जो आपको रिपीट ऑर्डर करना है करिए, और लंच में आप अनलिमिटेड लंच कर सकते हो 400 में, जो भी आपको रिपीट करना है करिए। वैरायटी बहुत सारी है जैसा कि हमने देखा था अपनी वीडियो में, तो उसको देख के हम आए हैं। अंदर चल के मैं और दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हमने एक्सप्लोर किया नहीं है, जाके अंदर करेंगे एक्सप्लोर। और अगर नॉनवेज प्लेट अगर आपको ऑर्डर करनी है वो है 450 पर पर्सन, तो जैसे अगर हम 2 पर्सन आए हैं तो आपको मिलेंगे 400 में 400 प्लस 400 800 में आपके लंच डन हो जाएगा, और बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, वैरायटी आएंगी। तो ये है कैफ़े यूनी कैफ़े गुड़गांव सेक्टर 48 बेस्ट टेक पार्क में, और यहाँ का फूड टेस्ट करते हैं अंदर चल के। तो चलिए कंटिन्यू रखिएगा व्लॉग, कमेंट करके बताना आपको भी कैसा लगा। और गाइस देखिए ब्रेकफास्ट में इनका है 350 रुपीज़ पर पर्सन में अनलिमिटेड खाना, और खाने में है ब्रेड पकोड़ा, पोहा, फ्रेंच फ्राइज़, टिक्की, काटी रोल, ऑमलेट, नूडल्स, सब कुछ है, बहुत सारी वैरायटी है जैसे कि आप देख रहे हैं। लंच में भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है। सो गाइस इस प्लेट में आया है एक राजमा, देन दाल, उसके बाद शाही पनीर है एंड चिकन। तो ऐसी दूसरी वाली वेज प्लेट हमने ऑर्डर की थी, उसमें पनीर लबाबदार है एक ऐड और इसमें आइटम, तो ये सारी चीज़ इसमें ऐड है, अभी और आना बाकी है। सो गाइस इसमें ऑप्शंस है अनलिमिटेड, आप कितना भी खा सकते हो। करी, दाल, दाल मखनी, पनीर लबाबदार, राजमा, येलो दाल, चिकन,
पूरी वैरायटी है। सो गाइस ये आ गए हैं दो छोले दो दाल मखनी, इतना सब कुछ आएगा। एग करी और ये दूसरा आइटम क्या है, ये है चिकन भरता, ये भी बहुत ज़्यादा यमी था और बहुत सारी डिशेज़ हमारे पास आ गई। तो हमने लंच किया तो ये पड़ा है हमें 400, अगर वेज है तो हमें पड़ा है 450, हमने नॉन वेज ऑर्डर किया था। तो ये है पूरा हमारा टेबल और भरा हुआ है डिशेज से, तो प्लीज़ आइए और यहाँ का फूड का एक्सपीरियंस करिए। पेट भर गया। सो गाइस यूनिक कैफे का खाना था बहुत ज़्यादा यम्मी, बिल्कुल टेस्ट था माँ के हाथ वाला। तो इनकी थीम भी थी जस्ट द वे माँ वुड मेक, तो ये वाली थीम है इनकी जस्ट द वे माँ वुड मेक, तो वो वाली इनका इम्प्लीमेंट भी हो रहा था इनकी डिशेस में, क्योंकि जो खाना था वो सीरियसली बहुत ज़्यादा यम्मी था, हमें बहुत पसंद आया। वैरायटी बहुत सारी थी, भर भर के थी वैरायटी, आपने ऐसे देखा ही होगा वीडियो में। हम बस ये कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या खाएं और क्या छोड़े यार, और बहुत ही सारी चीज़ यम्मी थी, चाहे वो चिकन की डिशेज़ हो, चाहे राजमा हो, छोले हो, पनीर हो, दाल हो, सब A1 क्वालिटी थी। तो अगर आप इधर आसपास से कहीं जा रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई कर लेना, कम पैसों में बहुत बढ़िया चीज़ मिल जाएगी खाने को, पेट भर जाएगा और मज़ा आ जाएगा। तो नूडल्स वगैरह भी है वो हमने ट्राई नहीं किए, तो एक दिन आएंगे हम ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है यहाँ पे, तो वहाँ का भी मैं व्लॉग शेयर कर दूँगी कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या वैरायटी मिलेगी। यहाँ तो बहुत अच्छी वैरायटी मिल गई, छाछ और चिकन जी और तो नहीं क्या ही क्या था, बहुत सारे ऑप्शंस थे जैसे कि वीडियो में आपने देखा है। तो आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ अपना यही एंड, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगी हमारी पूरी व्लॉग की वीडियो, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल दिलावत फैमिली व्लॉग्स। और हाँ यूनिक ऐप आप बनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर यहाँ आस पास अगर रह रहे हो आप तो आके आपको ट्राई करना चाहिए, लंच कर लो या डिनर कर लो या ब्रेकफास्ट कर लो, तीनों ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको खाना खा के, क्योंकि खाना बहुत सीरियसली टू यमी। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं, बाय बाय।